हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है टूटीकोरिन अल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और इस शेयर को जो है मार्केट में टूटी अल्का के नाम से रजिस्टर किया गया है। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 62.90 रुपीज़। और ये शेयर जो है पिछले लगा 8 से 10 दिनों में लगातार गिर रहा है। तो देखते हैं हम इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि फ्यूचर में हमें इसके साथ बने रहना है या नहीं है, ये भी चेक करेंगे। और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में पॉजिटिव न्यूज़ ही निकल के आ रही है। और ये जो शेयर है ये 3 साल का जो अपना CAGR है उसे रिकॉर्ड ब्रेक करके अपर पोजीशन में दे रहा है सबको रिटर्न। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा है। और इस सेक्टर की ये जो कंपनी है मिड कैप है कंपनी है और 58 पोजीशन पर रैंक कर रही है। फिलहाल फेस वैल्यू इसका 10 रुपये है और 52 वीक हाई जो है वो 78.90 रुपीज़ का है और 52 वीक लो जो है वो 15.90 रुपीज़ का है। और यहाँ पे अगर जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है हम उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ये इसे राउंड पे ले लेता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोदी जी ने यहाँ पे जो है भारत नाम से नई सब्सिडी शुरू की हुई है फर्टिलाइज़र सेक्टर में। तो चलिए हम उसके बारे में न्यूज़ में हम देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं PM नरेंद्र मोदी लॉन्चेस सिंगल ब्रांड भारत फॉर सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र्स, यानी फर्टिलाइज़र के लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसके लिए भारत नाम से लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने जो है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र्स। और ये सब भारत के अंडर आएगा, ये भी अभी मतलब जो टूटी अल्का के तरफ से जो फर्टिलाइज़र्स बनेंगे वो भारत का जो ब्रांड भारत नाम का जो ब्रांड है उसके अंडर आएगा और वहाँ से आगे ये सेल आउट होगा और गवर्नमेंट का इसका जो है टाई अप हो जाएगा बाद में आगे चल के। और अगर हम इसके अंदर और भी बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है ख़ुद को अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको और आगे आने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इसके रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से जो है कंपनी ने खुद से खुद को जो है यहाँ पे प्रूव करते हुए आगे बढ़ रही है कंपनी। 766 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 62.90 रुपीज़ है और इसका जो 52 वीक हाई है वो है 78.90 रुपीज़ और 52 वीक लो जो है 15.19 रुपीज़। फेस वैल्यू भी 10 रुपये की है। प्रमोटर होल्डिंग 75% की है। डेप्थ ना के बराबर है और यहाँ पे अगर इसका कंपटीशन भी अगर देखते हैं आप तो अच्छी खासी पोजीशन पे जो है टूटीकोरिन अल्कली अपर साइड में आ रही है। गुजरात अल्कलाइज, मेघमानी और पंजाब अल्कलाइज, TGS, सारस, लॉर्ड्स केमिकल, इन सबको ऊपर पछाड़ते हुए ऊपर आ रही है। बहुत ही कम पैसों का शेयर जो है इतनी ऊँची पोजिशन ले रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका अगर जो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर आप देख सकते हैं जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है कंपनी ने अच्छा खासा ग्रो किया है। अपना यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ाया हुआ है। नेगेटिव की ओर से पॉजिटिव की ओर आ रही है कंपनी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। और अगर एनुअल की बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की तब भी यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रो करके कंपनी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ़ायदा निकाल के दिया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और बिफोर और आफ्टर के टैक्स वगैरह सब में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से कंपनी जो है परफॉर्म कर रही है। बैलेंस शीट की ओर अगर हम नज़र डालेंगे तो तब भी यहाँ पे जो है बेहतरीन तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करेंगे तो 75% की जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है और 18% की जो हिस्सेदारी है ऑलमोस्ट 17.93% की जो हिस्सेदारी है वो जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास कुछ भी नहीं है। 7.7% की जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास है। तो फ्यूचर में ये जो कंपनी है बेहतरीन तरीके से खुद को प्रूव करेगी और जो है अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न निकाल के दे सकती है कंपनी। कंपनी केमिकल सेक्टर में भी काम कर रही है और फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी काम कर रही है और इसी के साथ जो है सोडा ऐश और अमोनियम क्लोराइड फर्टिलाइज़र्स के इन सभी सेक्टर्स में ये कंपनी जो है आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और काम कर रही है। तो हमें यहाँ पे अगर ट्रस्ट करते हैं तो यहाँ बहुत ही अच्छे रिटर्न की हम उम्मीद कर सकते हैं इस कंपनी से और साथ ही साथ जो है एक बेहतरीन जो है मल्टीपेगर बन के कंपनी सामने आ सकती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।